अभी नंदन के हवाले इसको मैं कहता हूँ लाहौरी चूरन That is fantastic. You know, पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं बड़ा भंगड़े शंगड़े भारत के लिए वो आलमी सुक्की है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और the tea is fantastic. ये तो खैर कॉफी है पर कोई बात नहीं the tea is fantastic. पहले इंसाफ होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे 100 सुअर मिलके अगर शेर को घेर लें तो वो सुअर शेर नहीं बन जाते रहते सुअर ही और पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज को बकायदा तिगनी का नाच नचा दिया तो उन्होंने बड़ा मारा पीटा ये करा और अपनी मर्दानगी का सबूत दिया पाकिस्तानियों ने कि देखो हम इतने सारे हैं हम मिलके एक अकेले हिंदुस्तानी पायलट को मार सकते हैं ये इनकी पाकिस्तानियों की मर्दानगी की अच्छा ये वो दिन है जब पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में करारा जवाब दिया और कह रहे हैं कि टांगे कांप रही थी माथे पे पसीना था और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि इसको छोड़ दो इसको जाने दो अभिनंदन को इसको भेजो वापस भारत वरना 9 बजे रात को भारत अटैक कर देगा और अभी नंदन नामी एक पायलट को गिरफ्तार करके बुजदिल दुश्मन को बताया कि रात की तारीकी हो या फिर दिन का उजाला पाक फौज के जवान और फजाइया के चाको चबंद पायलट दुश्मन के मजमूम इरादों को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार आप जरा अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को संभालिए जहां पर रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको नचा रही है टेबल के ऊपर घुंघरू पहना के क्रैक हड्डर मारा चम 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 पाकिस्तान नाच रहा जरा उसको तो संभालो यार भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने जाते वक्त अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी चाय की बहुत तारीफ ईमान तक्वा जिहाद फी सबीलिल्लाह वो सिपासालार वो गाजी वो मोमिन वो फलाना वो ढिमका है जी उसकी टांगे कांप रही थी माथे पे पसीना था पैर कांप रहे थे पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है ये औकात है पाकिस्तान तुम्हारी और तुम्हारे आर्मी चीफ की अजियत हो रही है और इंसाफ पे गुस्सा आ रहा है किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा ऐसी बातें सुनने के बाद मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई भारतीय शहरी है जो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि इमरान खान भारत से खौफज़दा थे तो क्यों इतना छूतिया है शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी और वो हमसे दरख्वास्त कर रहे थे कि अभिनंदन को जाने दे अगर उसको जाने नहीं दिया तो भारत रात 9 बजे हमला कर देगा तुमसे ना हो पाएगा अयाज सादिक साहब साहब भी मेरा कहने को दिल नहीं चाहते आपने सबसे पहले घबराना नहीं है जिस हरकतों के लिए ये माहिर माने जाते हैं वही हरकत इन्होंने कर दी और वो है नीच हरकतें क्यों कि इन्होंने दुनिया का बहुत ही अजूबा काम कर लिया और बहुत बड़ा काम कर लिया इस तरीके से ये सेलिब्रेशन करते हैं अबे साले वो कहते हैं ना खोखला चना बाजे घना तो वो के वही हालत इन पाकिस्तानियों के साथ में PSL के क्रिकेट मैच में टी ब्रेक के अंदर अभिनंदन की पिक्चर लगा दी और हिंदुस्तानियों का मजाक बनाने की कोशिश की अच्छा और इससे नेक्स्ट लेवल तो इनकी जो PSL की एक टीम ने उसने तो ट्वीट भी दाग दिया जहाँ पे हिंदुस्तानियों ने जम के क्लास लगाई PSL का प्रसारण हिंदुस्तान में सोनी लीव करती है उसको भी बैन करने की मांग उठने लगी है सही बात है मैं सीरियसली कह रहा हूँ PSL के पता नहीं कितने सीरीज हो गए मैंने आज तक कभी भी कोई मैच नहीं देखा मैच तो छोड़ो मैंने कभी स्कोर भी जानने की कोशिश नहीं की कौन सी टीम जीत रही है कौन सी हार रही है फिर ये पाकिस्तानी हमेशा रोते रहते हैं कि हमें IPL में नहीं खिलाते IPL में नहीं खिलाते IPL में नहीं खिलाते इंडिया की नेशनल टीम हमारे साथ मैच नहीं खेलती हमारे देश में नहीं आती है कोई द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं हो रहा है तो कहाँ से होगा मेरे भाई तुम्हारी हरकतें तो देख लो तुम ठीक है अगर बाय मिस्टेक हो भी गया है तो इस मामले को छोड़ देना चाहिए पहले हमारे पाकिस्तान आए तो सही हम देखें इसको कितना प्यार करते हैं इंडिया वालों को तुम अगर इंडिया को पॉक करने की कोशिश करोगे तो इंडिया वाले तुम्हारे को पेल देंगे ये बात है और पाकिस्तान की रेडिकलाइज आवाम की बातें तो सुनो इस्लामाबाद और लाहौर के मैच के अंदर अभिनंदन को कोड किया गया था कि टी वाज फैंटास्टिक
क्या कहेंगे पाकिस्तान अपना इमेज दोबारा फिर इंडिया का डाउन कर रहे हैं? देखें जी, एज अ क्रिकेट फैन दिस इज यू नो जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, इस चीज़ को मेरे ख्याल में कंडेम करना चाहिए। और नहीं तो क्या, क्योंकि सियासत और क्रिकेट को साइड बाई साइड रखना चाहिए, साइड पर रखना चाहिए, साइड बाई साइड नहीं। क्योंकि आप जो नो इस तरह की चीज़ों पर इंडिया भी है तो बहुत सारी चीज़ें वो भी कर सकता है, तो मेरे ख्याल में सियासत को साइड पे रखें, क्रिकेट में ना वो करें इन्वॉल्व करें, क्योंकि पहले भी हमारी देख लें काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं हो पा रही, सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स में ही हमारे मुकाबले होते हैं, अदरवाइज़ हमारी जो एक प्रॉपर यू नो बाहमी सीरीज़ है दो ममालिक की वो नहीं हो पा रही। तो अभी फिर जो ये एक्ट किया गया, जो भी किया गया, ये ऑफेंसिव है एंड डेफिनेटली इंडिया वालों का बुरा मानना बनता है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यार ये देखो, ये नेगेटिव जा रहा है हमारा पाकिस्तान का ना, क्योंकि ऑलरेडी हम नेगेटिव ही चल रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जा रहा है मुल्क, और फिर हम ये रखते करेंगे तो कैसे टीम हमारी मतलब क्या पैचअप होगा इनका? तो इनको चाहिए कि यार ऐसे ही रखते हैं, नागरिक ठीक है, मजाक लहदा है, मीम्स एक लहदा कम्युनिटी है, लेकिन ये नहीं चाहिए कि दोबारा ना वो इनमें जो इखलाफात शुरू हों, क्योंकि अभी ठीक चल रहा है, बाबर मिलता है विराट को, विराट मिलता है बाबर को, सारी टीम्स आपको पता है पैचअप बड़ा अच्छा चल रहा है। ये हरकतें करेंगे तो फिर वहाँ मुखालफत होंगी। इंडिया पहले एशिया कप खेलने नहीं आ रहा, तो आने वाले वक्तों में हमें दोस्ती होती नजर नहीं आ रही है। ऑलरेडी हमें भाईजान IPL में नहीं खिलाते, हम उनको PSL में नहीं खिलाते, और ये चीज़ें करेंगे तो और ज़्यादा फिर काम खराब होगा। और इनको चाहिए कि यार दोस्ती बढ़ाएं, टीमें मिलकर खेलें ताकि हमारे मुल्क की दोस्ती बढ़े और आगे अच्छी। अभी आप खुद देखें कि रमीज राजा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एशिया कप अगर इंडिया पाकिस्तान में खेले नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अगर एक तरफ आप उनको अच्छा पैगाम दे रहे हो, दोस्ताना पैगाम दे रहे हो, दूसरी तरफ ये हरकतें करके उनको बरगला रहे हो, ये हरकतें कर रहे हो, अब सियासत को ना ये चीज़ें अब गेम में क्यों आ रही हैं आपकी? गेम तो यार ऐसी चीज़ है, एक न्यूट्रल चीज़ है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच को पूरी दुनिया पसंद करती है, बहुत एक मज़ेदार मैच होता है, बहुत पब्लिक उनको देखने आती है, फेवरेट गेम है आज तक, जब से हम पैदा हुए आज तक आप खुद देखते आ रहे होंगे, बड़ा एक इनके दोनों में झगड़े वाला मैच होता है और झगड़ा वो गेम में नजर आ रहा होता है, विकेट लेके छक्के लगा के, और ये सियासत पुणे को और ये इन चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभिनंदन को फिर पाकिस्तान रोस्ट कर रहा है, लाइक इंडिया वाले तो यही सोच रहे होंगे कि ये दोबारा से ये वही कौम है जो कह रही थी कि इंडिया पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा, तो क्या मैसेज दोगे पाकिस्तानी को जिन्होंने ये मीम चलाया है? यार इन्होंने अब अभिनंदन का जो ये मजाक बनाया है तो ये बनता नहीं था, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ठीक है। और रमीज राजा ने जो बोला था कि वो नहीं आएंगे वो भी एक गलत ही स्टेटमेंट थी, उसके बाद तो इनको चाहिए था कि गिर जाते यार, नहीं वो हमसे एक गलती हो गई है, लेकिन अब हमारे हालात बेहतर हैं, उनको इम्प्रूव करके दिखाओ। इस तरह से अगर ये चीज़ें करते रहेंगे तो फिर हमारे बच्चे पूछेंगे पापा वो अभिनंदन कहाँ है, तो ये चीज़ें 50 साल तक वो यहाँ खेलने नहीं आएंगे, तो इस तरह से हालात से चलते रहेंगे। हमें अब थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, गिर इस सेंस में जाना चाहिए कि एक एक बंदा को तो झुक जाना चाहिए ना, तो अपने हालात हम बेहतर करें ताकि वो भी आए हम भी जाएं तो चीज़ें बेहतर हों। पाकिस्तान ने लाइक अपना फिर से बैड इम्पैक्ट दिया, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? आने वाले दिनों में कुछ जल्द तो नहीं यू नो ऐसा लग रहा, बट होपफुल रहना चाहिए। हमारे दोनों अतराफ के जो जो सियासतदान हैं उनका कलीदी किरदार होगा, स्पेशली पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादा सीरियस एटीट्यूड अपनाने की ज़रूरत है। पहले पाकिस्तान में प्रॉपर हुकूमत है, पहले तो उसके लिए दुआ करें, और जब वो आएगी उसके बाद होपफुली यू नो जो यू नो यहाँ के लीडर हैं वहाँ के लीडर हैं बैठ के बात करें। अभी हम देखते हैं PM मोदी भी ये बारहा कहते हैं कि भाई हम किससे बात करें, कौन है पावर में, और हमें खुद को भी इस चीज़ का यू नो अभी रियलाइज़ होना शुरू हुई है चीज़ें कि पावर किसके पास होती है। तो या यहाँ पहले एक यू नो एक साजगार माहौल जब होगा डेफिनेटली इंडिया आएगा। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में इन पाकिस्तानियों को आप क्या रिप्लाई देना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उतार दीजिए, और वीडियो का टारगेट रखते हैं 15,000 लाइक, मात्र 15,000 लाइक करवा दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे वीडियो का भी टारगेट रखते हैं 1,000 लाइक्स, तो आप 1,000 करवा दीजिएगा। तो भाई यहाँ पे मीम ये चलाई गई, मुझे इस बारे में नहीं पता, तुम्हें मैं भी पता हूँ। क्रिकेट में ये ना ये वो जो टाइम आउट आता है, जरा ब्रेक आती है ना, 2-3 मिनट का पानी का वक्फा आता है, तो उसमें ये वाली चलाई गई, बट लोगों का बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी लोग भी जैसे बोल रहे थे कि ये बहुत ही गलत किया है, ये मतलब ना कुछ लोग होते हैं यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी होंगे कुछ लोग जो मतलब के नफरत को ना हवास ज्यादा देते हैं, ये नहीं चाहते कि हम मोहब्बत बढ़ाएं, कि अगर फर्ज करें इंडिया मतलब इंडिया और पाकिस्तान में अगर सीरीज कभी होनी भी है तो इन हरकतों की वजह से कभी नहीं होने वाली। बिल्कुल ऐसे ही है वो, फिर आगे ही आपको पता है एशिया कप की जो बातचीत चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, ये भी अच्छे तरीके से वाजह नहीं हो सका, लेकिन फिर और इससे दूरियां ज्यादा होंगी और
वो इंडिया बिल्कुल भी इनकार करेगा फिर ऐसे, तो सियासत को बिल्कुल क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर रखना चाहिए। सियासत एक अलग चीज है, क्रिकेट एक अलग खेल है, हर चीज में सियासत को लाना जरूरी नहीं होता। लोग इतना एंजॉय करते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच, मतलब जितना पसंद पूरी दुनिया में किया जाता है ना वो इंडिया पाकिस्तान का मैच ही होता है, और तो किसी को पसंद बहुत कम होते हैं, इतने कम मैच होते हैं, जब भी होते हैं तो हाउसफुल ही ऐसे होता है। अभी आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा होगा, एशिया कप में देखा होगा, काफी हाउसफुल थे और लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, और इतनी ज्यादा आवाम तादाद, फुल स्टेडियम होते हैं, तो ICC को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। बट अभी हमें इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज भी मुकम्मल सीरीज होनी चाहिए, इंडिया भी पाकिस्तान आकर खेले और पाकिस्तान भी इंडिया जाकर खेले, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरा मन माहौल में असर किया जाए पाकिस्तान में, कि वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो मतलब सही रहेंगे, उनको अच्छा एक दिया जाएगा, फिर भी वो वहां से आएंगे, यहाँ से भी मतलब शुरुआत मुझे लगता है इनसे होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हालात है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर यहाँ से शुरुआत एक कदम बढ़ जाएगा तो वहां से भी जरूर, मुझे यकीन है कि वहां से भी बढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो वही ना, फिर से वही सियासत ही आ जाती है इसमें, बट सियासत को दूर रखना चाहिए बिल्कुल भी, और क्रिकेट एक अलग चीज है, ये तो एक खेल है, तो इसको खेल किसी समझना चाहिए ना। क्या इंडिया में देखा जाता PSL? आप लोग बताइए कि आप लोग देख रहे हैं, मैं तो रोज देखता है। नहीं पता नहीं कल किस पेशावर सलमी का मुझे लगता है मैच था ना, कल लाहौर का मैच था और उसका था साथ में क्वेटा का मैच, लाहौर के अंदर मैच जीता था। चलो और की मेरा टीम मुझे लगता है अच्छी होगी, लाहौर और मुल्तान की टीम है, बहुत अच्छी खेलती है, तो चलो अच्छी बात है। वैसे IPL भी स्टार्ट होने ही वाला है इंडिया में, इसके बाद मुझे लगता है IPL जो है, हाँ IPL होगा स्टार्ट, वो काफी 2-3 माह जारी रहेगा, तो भी देखेंगे, मजा आएगा देखने में, उस पर भी हम वीडियो जरूर लाएंगे। मजेदार वीडियो थी, कैसी लगी आप भी बताइएगा, और नफरतों को दूर करके मोहब्बत का एक स्टेप आप बढ़ाइए, एक हम बढ़ाते हैं, ताकि दोनों कंट्रीज खुशहाल एक दूसरे के साथ रह सकें। तो यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, चलते हैं।